हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले हैं मूंग दाल का चीला। लेकिन वीडियो चालू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली है। चलते हैं हमारे टॉपिक के पास। ये है मूंग दाल का आटा। अभी ये मूंग दाल के आटे में हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके लेंगे। इसे ना ही हमें ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब एक स्पून को लेके इसको अच्छे से हिला ले और इसके सारे लम्स निकाल दे। कंसिस्टेंसी दिख रही है कि मैंने कैसी रखी है। फिर हमें ऐड करना है टमाटो, ऑनियन, धनिया, इंडियन स्पाइसेस और जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर हमें इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करके लेना है। जो भी आपने टमाटो और ऑनियन लिया हुआ है उसको अच्छे से आपको मिक्स करके लेना है। एक बार मिक्स होने के बाद इसको आप 10 मिनट के लिए ढक के रखें। अभी मैंने लिया हुआ है पैन, इसे थोड़ा हल्का सा गर्म होने देते हैं। एक बार गर्म होने के बाद देख रहे हो मेरी कंसिस्टेंसी मैंने यहाँ पे कैसी रखी हुई है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। फिर हम लोग पैन को ऑयल लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, अगर आपको घी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये चीले बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है और उतने ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। छोटे बच्चों के लिए इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने के वजह से एक अच्छा टिफ़िन बॉक्स भी हो सकता है और उनको ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट भी हो सकता है। अभी जैसे कि आप देख रहे हो मैंने चीला बना के उसको ढक दिया है। आप 2-3 मिनट के लिए ढक के रखें ताकि वो अच्छे से पक जाए। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि वो अच्छे से पका है या नहीं। इसको आपको बहुत ही प्यार से टर्न करना पड़ता है, क्यों नहीं तो ये टूट जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने बहुत हल्के से इसको टर्न करके लिया हुआ है। इसको दोनों तरफ से अच्छे से पका के लेना है। ऐसे ही मैंने मेरे सारे जो चीले थे वो बना लिए हैं। अगर आपके बच्चों को पालक और मेथी जैसी सब्ज़ी अच्छी लगती होगी तो पालक और मेथी को आप अच्छे से कट करके उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो और उसे और भी हेल्दी बना सकते हो। मेरे बच्चों को पालक इसमें डाला हुआ अच्छा नहीं लगता, सो मैंने नहीं ऐड किया हुआ है। ये हमारे लिए भी वेट लॉस रेसिपी हो सकती है, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ही कम लगता है और ये प्रोटीन रिच फूड है। डेफ़िनेटली ये रेसिपी आप आपके डिनर के टाइम पे भी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये मूंग दाल से बना हुआ है। बहुत ही हल्का फुल्का डिनर हो सकता है आपका। ये मेरे सारे के सारे चीले मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। इन चीलों को अगर आपको एंजॉय करना है तो आप दही के साथ एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो आप चटनी या पिकल के साथ भी खा सकते हो। हमारे घर में सब लोग इसे पिकल या चटनी के साथ ही खाना पसंद करते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सारे के सारे चीले मैंने कैसे तैयार करके रखे हुए हैं। ये रहे मेरे मूंग दाल के चीले। अभी हम लोग इसे चटनी के साथ खाएंगे और एंजॉय करेंगे। आप भी डेफिनेटली आपके डिनर के टाइम पे या ब्रेकफास्ट के टाइम पे इसे बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। बाय।